एक्सप्रेसवे पे अचानक नील गाय आने की वजह से एक्सीडेंट हुआ और आप सब लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। हल्का सा हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है जो डॉक्टर ने कहा है कि 4 सप्ताह में ठीक हो जाएगा, इसलिए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से मैं एकदम ठीक हूँ। सो मैं अपने घर पे था, इतने मेरे पास में साथ में विधायक थे हमारे नेता प्रतिपक्ष से बलजीत जी, उनको फोन आया कि एक्सरसाइज पे एक्सीडेंट हो गया। आप जानते हो एक्सीडेंट करना बड़ा खतरनाक होता है, वो भी एक्सरसाइज पे। मैं तुरंत वहाँ पहुंचा तो उनकी गाड़ी के सामने ये नील गाय आ गई थी, नील गाय से एक्सीडेंट हुआ था। कलेक्टर साहब भी आ गए, सारा प्रशासन भी आ गया, अब उनका यहाँ पे एक्सरे भी हो गया है, प्लास्टर भी कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने रक्षा की है, इसलिए हम ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि बच्चा एक्सप्रेस वे में भी तो मैंने जैसे महसूस किया, मैं भी आज दिल्ली से आया हूँ, कुछ 40-50 किलोमीटर एंबुलेंस है, उससे भी एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती हैं। ये अलवर से जयपुर जा रहे थे, रास्ते में जो भंडारेज के पास एक्सप्रेस हाईवे, उस पर एक नील गाय दौड़ती हुई सड़क के ऊपर आ गई और गाड़ी स्पीड में थी तो आगे वाला लेफ्ट साइड का गेट है उससे वो जोर से टकरा गई, उसके कारण से उनके जो कलाई है, कलाई में एक फ्रैक्चर है जिसका दोसा अस्पताल में। हाँ, हम दोनों साथ थे, एक पीएसओ था,